तो आज हम लेक्चर नंबर 40 में CSS3 का एनिमेशन का पार्ट 4 अटेंड करने वाले, जिसमें एनिमेशन फिल्म मोड प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे और उसका प्रॉपर्टी फॉरवर्ड्स, बैकवर्ड्स एंड नॉन के बारे में पढ़ेंगे। तो इसको हम प्रैक्टिकल सेशन में अच्छे से समझ पाएंगे। तो चलिए किसी भी टेक्स्ट एडिटर को ओपन करते। तो यहाँ पर मैं टेक्स्ट एडिटर को ओपन कर लिया हूँ, उसमें एक डिव को राइट करा, फिर CSS में डिव को मैं सिलेक्ट करता हूँ, विथ 100 पिक्सल राइट करता हूँ, हाइट भी 100 पिक्सल राइट करता हूँ, बैकग्राउंड रेड राइट करता हूँ, पोजीशन रिलेटिव राइट करता हूँ, एनिमेशन का नेम डेमो 3 सेकेंड राइट करूँगा, इसके बाद की फ्रेम्स को राइट करता हूँ, फिर एनिमेशन का नाम राइट करता हूँ, उसके बाद 10% राइट करता हूँ, 10% में टॉप 0 पिक्सल राइट करूँगा, 100% में टॉप 200 पिक्सल राइट करूँगा एंड बैकग्राउंड कलर ब्लू राइट करता हूँ। फिर यहाँ से मैं सेव करके तो देखिए अभी रिफ्रेश करता हूँ तो एनिमेशन क्या हो रहा है, टॉप से लेकर नीचे की तरफ धीरे धीरे आ रहा है, उसके बाद डायरेक्ट टॉप पे जा रहा है और वहीं पे रुक जा रहा है। तो अभी यहाँ से हम एनिमेशन फिल मोड को इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए एनिमेशन फिल मोड को मैं राइट करता हूँ और यहाँ से बैकवर्ड राइट करता हूँ, फिर सेव करता हूँ। तो देखिए अभी क्या होगा, फिर से नीचे आया और फिर से ऊपर की तरफ ही चला गया था। बैकवर्ड का काम वही होता है जो डिफॉल्ट था, कि नीचे आके फिर ऊपर से चले जाता है। एक नॉन है, नॉन का भी काम वही होगा, आगे की तरफ आगे और फिर से डिफॉल्ट पोजीशन पे जाके वहाँ पे रुक जाएगा। तो नॉन का और बैकवर्ड का काम यही होता है जो बाय डिफॉल्ट है। और फॉरवर्ड का काम क्या होता है आप देखिए, जैसे मैं फॉरवर्ड राइट करूँगा तो यहाँ से मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये नीचे आएगा और वहीं पर रुक जाएगा, ये पीछे नहीं जाएगा, यानी कि जो इसका एंड पॉइंट है ये वहीं पर रुक जाता है, स्टार्टिंग पॉइंट पे नहीं जाता है। और बैकवर्ड में और नॉन में क्या होता है कि वो यहाँ से रिवर्स फिर चला जाता है, जो उसका स्टार्टिंग पॉइंट है वहीं पर जाकर रुक जाता है। तो फॉरवर्ड हम इसी तरह से इस्तेमाल करेंगे और भी एनिमेशन बना सकते हैं। चलिए मैं आपको एक एनिमेशन बना के बताता हूँ, इसको मैं रिमूव करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैं एक डिव राइट करा, उसके क्लास का वैल्यू में लोडर पेज राइट कर दिया, फिर उसके अंदर में डिव, उसका क्लास का वैल्यू में प्रोग्रेस पेज राइट कर दिया, फिर उसके अंदर में डिव और प्रोग्रेस बार उसका क्लास का वैल्यू में राइट कर दिया हूँ। फिर यहाँ पे देखिए मैं लोड पेज को सिलेक्ट कर लिया, उसका विथ 100% और हाइट 100% राइट कर दिया, बैकग्राउंड कलर व्हाइट एंड पोजीशन एब्सोल्यूट टॉप लेफ्ट 0 कर दिया हूँ। इसके बाद प्रोग्रेस पेज को राइट करता हूँ यहाँ पे। तो प्रोग्रेस पेज राइट करने के बाद यहाँ पे देखिए उसका विथ 720 पिक्सल राइट कर दिया, हाइट 60 पिक्सल राइट कर दिया एंड बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड शार्प CCC, जो ये कुछ ग्रे कलर आएगा इस तरह से आप देख सकते हो। बॉक्स शैडो 0 0 एंड 4 पिक्सल राइट कर दिया, मार्जिंग ऊपर की तरफ से 20% कर दिया और ऑटो कर दिया। इसके बाद प्रोग्रेस बार को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से विथ 10 पिक्सल राइट कर दिया हूँ, फिर हाइट इसका 61 पिक्सल राइट कर दिया, बैकग्राउंड कलर ग्रीन और फ्लोट लेफ्ट और एनिमेशन इसका 6 सेकेंड कर दिया और इनफिनाइट टाइम कर दिया हूँ। फिर इसका की फ्रेम राइट करूँगा, की फ्रेम में देखिए आप यहाँ से एनिमेशन का नाम सिलेक्ट कर लिया, फिर 0% पर इसका विथ 0% रहेगा और फिर 100% पर इसका विथ 100% रहेगा। तो इस तरह से मैंने इसको सेव करा, इसको भी सेव करता हूँ, फिर यहाँ से देखिए मैं रिफ्रेश करता हूँ तो क्या देखने में मिलता है। तो अभी हम क्या बना रहे हैं, इसे लोडर भी कहा जाता है और प्रोग्रेस बार भी कहा जाता है, जो वेबसाइट में यूज होता है। तो इस तरह से आप डिज़ाइन बना सकते हो। चलिए अब इस पर एनिमेशन फिल्म मोड को यूज करते हैं। तो इसका सेकेंड में 5 करके देखता हूँ किस तरह से जा रहा है। हाँ, तो अभी ठीक है, वो इससे पहले ज़्यादा स्लो था और अभी ये इसको मैं 0 करता हूँ, तभी मैंने इसको सेव करा और फिर इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। तो आप ध्यान से देखिए अभी क्या हो रहा है, ये शुरू से स्टार्ट हो रहा है एनिमेशन, फिर एंड में जाके और फिर से शुरू हो जाएगा। देखिए फिर से शुरू हो गया, फिर से एंड में आएगा, फिर यहाँ से ये शुरू हो जाएगा। देखिए शुरू हो गया, पर एनिमेशन तो ऐसा वेबसाइट में होता है नहीं, कोई भी प्रोग्रेस बार जो 100% हो जाता है तो फिर से शुरू होता नहीं, क्योंकि 100% होने के बाद वो एंड पॉइंट पे ही रुका रहेगा। तो हमें क्या यूज करना होगा उसके लिए, इनफिनाइट को मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ और एनिमेशन फिल्म मोड यहाँ पे राइट करूँगा और बैकवर्ड्स राइट करता हूँ, यहाँ से मैं सेव करता हूँ। तो देखिए अब इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये धीरे धीरे प्रोग्रेस बार बढ़ रहा है और एंड में जाते ही वहीं पे रुक जाएगा, क्योंकि अभी 100% हो चुका है। तो 100% होने के बाद क्या होता है कि जो प्रोग्रेस बार होता है वो उसका फुल लेंथ पे कवर हो जाता है, यानी कि जिस एंड में जाके वो टच करता है वहीं पे रहता है 100% में। तो इस तरह से हम प्रोग्रेस बार अभी बना के आपको दिखा दिया। इसी एनिमेशन से आप अलग अलग टाइप के एनिमेशन करा सकते हो। तो आप इस प्रोग्रेस बार के अंदर में कुछ राइट भी कर सकते हो, जैसे देखिए H1 मैंने राइट करा प्रोग्रेस बार में, उसमें मैं लोडिंग राइट कर दिया हूँ, इसका कलर में व्हाइट कर दूंगा। तो देखिए अभी इस तरह से लोडिंग इसमें देखने को मिला, अभी से और भी डेकोरेट कर सकते हो अपने हिसाब से, तो इसे आप जरूर डेकोरेट कीजिएगा और भी तरह के एनिमेशन आप करा के चेक कीजिएगा, तो आपको इस पे कमांड बैठ पाएगा और आप अच्छे से एनिमेशन फिल्म मोड को उपयोग कीजिए और उस पे अलग अलग तरह के आप एनिमेशन बनाइए। आई होप दोस्तों आज के लेक्चर में एनिमेशन फिल्म मोड के बारे में मैंने आपको अच्छे से पढ़ा दिया। अगर अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू।